नाजरीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्वा, आपके सामने हाज़िर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। आज हम आप लोगों को कोकोनट मैक्रून्स बनाना सिखाएंगे, जो मिल्कीज़ की डार्क चॉकलेट के साथ फिर हम कोट करेंगे, ठीक है, या उसके बेस पे हम लगाएंगे, या ऊपर ड्रिजल करिए, फुल कोट करिए, वॉट एवर यू लाइक। बहुत ही आसान रेसिपी है, वो हम बनाएंगे। फिर हम बनाएंगे आज टाइगर प्रॉन्स, बड़े वाले प्रॉन्स हैं, उसको बस स्टर फ्राई करना है। बहुत ही आसान रेसिपी है, ज़रूर रेसिपीज़ नोट करिएगा और बनाइएगा, और इसी तरह हमारा साथ देते रहिएगा। मैं हूँ सैटरडे संडे यानी हफ्ता इतवार आपके साथ लाइव 4 से 5 ऑन मसाला टीवी। ओके, सबसे पहले देखें, आपने 16 आउंसेस खोपरा लेना है, ठीक है, 16 आउंसेस, और आपने उसमें 3/4 कप कंडेंस मिल्क डालना है। ये कंडेंस मिल्क है, इसको मैंने निकाल के यहाँ रखा हुआ है, लेकिन आई एम नॉट श्योर इफ इट्स 3/4 कप्स, थोड़ा हम इसको नापेंगे। और फिर उसमें हम डालेंगे 2 अदद सफ़ेदियाँ, ये पता नहीं चल रहा कलरफुल बोल में, लेकिन ये 2 अदद सफ़ेदियाँ हैं जो मैंने यहाँ सेपरेट करके रख दी हैं। अंडे की जर्दियाँ हमें इस्तेमाल नहीं करनी है, और वेनिला एसेंस इसमें जाएगा, दैट्स इट। अगर आपको शार्प एक फ्लेवर चाहिए तो आप कोकोनट एसेंस भी डाल सकते हैं, मार्केट में आपको ये मिलता है। सो सबसे पहले तो मैं इसको नाप लूँ, आई थिंक ये ज़्यादा था, थोड़ा सा ही ज़्यादा है, सो गुड, आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ ऑल। अच्छा, और आपको याद भी दिलाती चलूं कि हफ्ते को 26 तारीख को नवंबर की नेक्स्ट सैटरडे मैं, शिरीनापा और रिदा आ रहे हैं इस्लामाबाद लेजेंड पैलेस होटल में। तो अगर आपने कुकिंग क्लास है, तो अगर आपने अभी तक अपने आप को रजिस्टर नहीं कराया है, आप हमसे मिलना चाहते हैं, हमारे साथ लंच खाना चाहते हैं, हाई टी भी है, और सर्टिफिकेट्स भी मिलेंगे, और इनके जो अपने शेफ्स हैं वो भी आपको चीज़ें सिखाएंगे, तो जल्दी से अपने आप को रजिस्टर कराइए। हमारे नंबर्स चल रहे हैं हमारे स्क्रीन पर, हमारे चैनल पर वो प्रोमो भी चल रहा है, ठीक है, सो ज़रूर मुलाकात करिएगा हमारे साथ। ओके, सो सबसे पहले वील पुट सफ़ेदी, और उसको हम बीट कर देंगे। इस तरह आप उठाएं तो ये इस तरह के पीक्स फॉर्म हो, सही है, समझ आ गया। अच्छा, इसमें हम अब डालेंगे एसेंस। ओके जी, आज हमारे पास है डिलक्स केटल इनेक्स की तरफ से, और सवाल भी ऐसे ही रखते हैं कि आपने बताना है कि कुकिंग इस्लामाबाद की कुकिंग क्लास में मेरे साथ और 2 कौन शेफ्स हैं। ये लिख के 8881 पे SMS कर लीजिएगा, मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, हमारे नंबर्स चल रहे हैं, ठीक है। ये वेनिला एसेंस चला गया, अब आप इसमें ये कंडेंस मिल्क डालेंगे 3/4 कप, ये पूरा 1 कप है इसलिए मैं इसको पूरा नहीं भरा है, ठीक है। मिक्स कीजिए, और ये डेसिकेटेड कोकोनट है, पहले थोड़ा डाल के इसको आप अच्छी तरह इसमें मिक्स कीजिए। अगर लाइट पिंक कलर डालना है वो भी आप डाल सकते हैं। पहले मिक्स करिएगा, फिर दूसरा खोपरा डालिएगा। इफ्फत हैं अटक से, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्लाह पाक का शुक्र है। आज आप क्या बना रही हैं? क्यों, आपके पास लाइट नहीं है क्या? नहीं, अभी मैंने ऑन की है। अच्छा, मैं कोकोनट के मैक्रून्स बना रही हूँ जो आपको बेकरी में मिल जाते हैं ना। अच्छी रात है, मैंने कहा तो अच्छी चीज बन रही है। अच्छा जी, देखिएगा और बनाइएगा जरूर, ठीक है। हाँ, इंशाल्लाह ताला। और आपने सवाल, जी सवाल हमने ये रखा है कि मसाला टीवी की जो कुकिंग क्लास है इस्लामाबाद में इस हफ्ते को, तो उसमें मेरे अलावा 2 और शेफ्स के नाम क्या हैं?
आप हैं और श्री आपा और रिदा आपा। ओके ठीक है, नोट कर दिया है जवाब, बहुत शुक्रिया। देखें कितना आसान सवाल रखा था ना, सब जीत सके। बहुत आसान। एक आपसे बात पूछनी थी जी, ये जो मछली होती है कितने टाइम तक बंदा रख सकता है कच्ची? क्या कच्ची फ्रिज में? जी मछली जितनी हो उतनी ताजी खाना बेहतर है। फ्रिज में तो मैं एक ही दिन रखूं, ज्यादा ना रखूं, फ्रीजर में रख दीजिएगा। पूछ रही हूँ आपसे, फ्रीजर में रख दीजिएगा, फ्रीज कर दीजिए। कितने दिन तक फ्रीज तो आप कर सकते हैं, थोड़े हफ्तों तक कर सकते हैं, लेकिन जो चीज ताजी आपने खानी है वो बेस्ट ताजी होगी। फिश लाएं? नहीं वो तो ठीक है, मैंने कहा कभी हो जाता है ना, इसलिए। फ्रिज में नहीं रखिएगा, फ्रीजर में रखिएगा, ठीक है? बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा इसको मुझे अच्छी तरह मिक्स करने दीजिए। अब साइडों से भी ये लीजिए, बिकॉज जो खोपरा साइड में रह जाता है उसको भी अंदर हमें इनकॉर्पोरेट करना है। दोबारा मिक्स कर देते हैं एक दफा, ठीक है? हमेशा याद रखिएगा कि जब आप बना रहे हो इस तरह कोई भी चीज़, पहले से पूरा कंडेंस मिल्क नहीं डालते हैं। अगर ये फॉर्म ना हो तो फिर आप थोड़ा सा कंडेंस मिल्क डाल दीजिए। अब मेरे पास एक ट्रे है जिसके ऊपर ये सिलिकॉन के मैट्स रखे हुए हैं ताकि आसानी से चीज़ें इस पे से आराम से उठ जाएं। अब वो स्कूप कहाँ रखा मेरा, आइसक्रीम स्कूप, वो मुझे दे दें। उससे हम छोटे छोटे बॉल्स इसके बनाते हैं और सिलिकॉन के मैट पर रखना शुरू कर देते हैं, ठीक है? बीटर में भी जो चीज़ें रह जाती हैं वो भी निकाल दिया करें ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। और फिर आप इसको एक दफ़ा मिक्स कर दीजिए। मरियम हैं कराची से, उनसे बात करते हैं जी। हेलो हेलो, कहाँ चली गई? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। जी जी फरमाइए। वालेकुम अस्सलाम, मुझे आवाज़ आ रही है? कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ शुक्रिया, आप सुनाएं। जी बोलें, यहाँ आवाज नहीं आ रही। जी जी बोलें, जवाब दीजिए। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और आज का सवाल जवाब देना। जी जी जी, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए, लाइन कट जाएगी। आवाज बंद कर दो। जी 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 बोले। रिदा आप आएंगी और श्री आप आएंगी? आएंगी, कहाँ आएंगी? यहाँ पर कुकिंग क्लासेस में। कहाँ पर है कुकिंग क्लास? लाहौर में। नहीं इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में, ठीक है। ओके ठीक है, नोट कर दिया है जवाब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा जी ऐसा करते हैं, इसके छोटे छोटे बॉल्स बना के थोड़े से फ्लैट करके हम रख देते हैं बेक होने के लिए। आप लोग लीजिए एक छोटी सी ब्रेक, देखते रहिए मसाला टीवी। आप देख रहे हैं फूड डायरीज ऑन मसाला टीवी, और मैं रिकैप कर दूं, कोकोनट मैकरून्स। ओके नाउ दीज आर मैकरून्स, ठीक है? ये मैकरॉन्स नहीं है, फ्रेंच मैकरॉन्स जो होते हैं जिसके ऊपर आप, जिसके बीच में आप क्रीम या कोई गनाश वगैरह लगाते हैं, ये वो नहीं है, दीज आर डिफरेंट, ठीक है? ये वाइट मैंने रखे हैं, आप पिंक कलर भी डाल सकते हैं इसमें। बिल्की से वाक एंड से पहले उनसे बात करते हैं जी। हेलो हेलो, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? आपकी आवाज बहुत कम आ रही है जनक। आप टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए, फिर सही आएगी बिल्कुल मेरी आवाज। जी टीवी का वॉल्यूम ऑफ है मेरा। ओके ठीक है जी, बोले। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच, फरमाइए। मेरी फेवरेट शेफ है आप। अच्छा जी, थैंक यू। बहुत बेकिंग सीखी है, बहुत पाइनएप्पल अपसाइड डाउन केक और थ्री मिल्क केक तो आपका बहुत फेवरेट है, हर वक्त हमारे यहाँ बनता रहता है। वेरी गुड वेरी गुड, तो आपका थैंक्स। और पर आपको पिछले दिनों देख नहीं रहे थे क्योंकि आपकी टाइमिंग चेंज हो गई थी, तो जी आप बहुत अच्छी लगती हैं और आपकी रेसिपी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत जबरदस्त। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। इसी तरह देखते रहिएगा और जवाब दे दीजिए अगर आपको जीतना है। आप इस्लामाबाद में करने आ रही हैं, आप हैं
और जो है शीरीन अनवर हैं और रिदा आफ्ताब हैं। ओके ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ओके नाउ लेट मी जस्ट रीकैप, मैंने क्या किया था, 14 ounces, नॉट 16 ounces, मैंने गलती से 16 बोल दिया था, 14 ounces डेसिकेटेड कोकोनट होना चाहिए, 3/4 कप होना चाहिए कंडेंस मिल्क, तो पूरा टिन नहीं ले लीजिएगा, कप में मेजर करिएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर आपने उसमें वैनिला एसेंस डालना है, उसके बाद आपने उसमें 2 अदद अंडे की सफ़ेदियों को बीट करके डालना है और फिर अच्छी तरह उसका एक मिक्सचर बन जाए, तो आप आइसक्रीम के स्कूप के साथ छोटे छोटे बॉल्स बना के इस तरह रख दीजिए। अब एक चीज़ नोट करिएगा कि मैंने इसको 160 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा है, ठीक है, 160 पे ही रखिएगा इसको, 180 पे नहीं करिएगा, इस तरह की चीज़ें बहुत जल्दी ब्राउन हो जाती हैं। थोड़ी देर बाद मैं ट्रे निकाल के उल्टा करके रख दूँगी, मतलब आगे के पीछे हो जाएंगे ये मैक्रोन्स, ठीक है, ये करना है हमें ज़रूरी। इसमें पिंक रंग डाल सकते हैं, इसको प्लेन रख सकते हैं, हल्के से गोल्डन हो तो निकाल दीजिएगा, बिल्कुल ठंडा करिएगा। फिर यहाँ मिल्कीज़ की चॉकलेट है, आप मिल्कीज़ की वाइड रेंज ऑफ चॉकलेट्स भी देख सकते हैं, इनकी प्रीमियम वाइट चॉकलेट कंपाउंड है, डार्क चॉकलेट है, कलर्स हैं, फ्लेवर्स हैं और सॉसेज हैं और विपी विप की क्रीम है जो हम इस्तेमाल करते हैं। ऑफकोर्स इनके चॉकलेट ड्रॉप्स हैं, वाइट वाले भी हैं, डार्क वाले भी हैं, और ये इनका चॉको हेज चॉकलेट स्प्रेड भी है, कोको के साथ रियल हेजलनट स्प्रेड है इनका, ठीक है। तो ये चॉकलेट के साथ फिर मैं इसको कोट करूं या इसके बॉटम्स जो होंगे उनको चॉकलेट में डिप करके निकाल देंगे, जिस तरह भी, अभी बनने दीजिए और अभी उनको ठंडा होने दीजिए। तब तक हम शुरू कर देते हैं विद द टाइगर प्रॉन रेसिपी, और आप नंबर्स भी चल रहे हैं हमारे, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। ये ऑलिव ऑयल है, 1 किलो से थोड़े ज़्यादा प्रॉन्स हैं, अदरक और लहसुन है, सोया सॉस है, नमक है, काली मिर्चें हैं, थोड़ी सी चीनी है, और ये है प्रॉन्स, दैट्स इट, कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है। आप देखें कितना आसान, कितना झटपट, प्रॉन्स हों तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा फ्राइड प्रॉन्स ही आप बनाएं, या आप बिरयानी बनाएं, या सालन बनाएं, या झींगा आलू बनाएं, ठीक है, कुछ ना कुछ मुख्तलिफ बनाया करें। इसको आप प्लेन एग फ्राइड राइस के साथ, प्लेन राइस के साथ, नूडल्स के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अमारा है मुल्तान से, उनसे करते हैं बात। अदरक मैंने डाल दी है। हेलो जी, क्या हाल है? ठीक आपी जी, बोले। हेलो जी, जी मुझे आवाज आ रही है, फरमाइए। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। अच्छा, बोले जी, मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहती हूँ। जी जरूर। हेलो जी, जवाब तो दीजिए, मुझे तो आपकी आवाज आ रही है। इस्लामाबाद में जो आप कुकिंग क्लास में, इसमें शीरी आपा और रिदा आपी और आप होंगी। ओके ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। अच्छा, अदरक और लहसुन को ऑलिव ऑयल में या रेगुलर ऑयल में आप बहुत अच्छी तरह सॉटे करिए, ठीक है। फिर आप उसमें झींगे डालिए, अच्छी तरह झींगों को साफ करिएगा और इसको, इसकी वेन निकालना बहुत ज़रूरी है, वरना फिर वो मुंह में आता है या पेट भी ख़राब हो सकता है, काली जो इसकी वेन होती है ना वो। झींगे ओवर कुक नहीं करिएगा वरना हार्ड हो जाएंगे, चिकन ब्रेस्ट, कलेजी, झींगे कभी भी ओवर कुक नहीं करते हैं, ठीक है। अदरक और लहसुन में अच्छी तरह इस तरह सॉटे करिए। अच्छा, शफीक हैं बहावलपुर से, और मैं ये ट्रे को भी टर्न कर देती हूँ। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, आपके सामने, फरमाइए। बहुत अच्छी कुकिंग कर रही हैं आप, बहुत दिल खुश हो जाता है, पहली दफा मेरी मिलिया काल मिला मिला के मिलती ही नहीं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। और जो है ना, मैंने जो है एक क्वेश्चन करना था आपसे। क्या जी? ना मैं जब भी केक बनाता हूँ तो ना सब कुछ जो है ना क्वान्टिटी में डालता हूँ, लेकिन ना वो ना बैठ जाता है, ओवन ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन ना वो बैठ जाता है दरमियान में आके। सॉरी, वापस बोलिए क्या जी? क्या 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 कह रहे हैं, वापस बोले। मैं जब केक बनाता हूँ ना तो सारे इंग्रेडिएंट्स ना सही डालता हूँ, लेकिन ना केक बैठ जाता है। बैठ जाता है मतलब अज्जा जो अंदर डालते हैं वो बैठ जाते हैं? जी जी जी। फ्रूट्स या नट्स वगैरह ऐसे कुछ? जी जी जी। अच्छा, तो इसके लिए क्या करिए, फ्रूट्स वगैरह डालने से पहले, टूटी फ्रूटी हो, चॉकलेट चिप्स हो, नट्स हो, कुछ भी हो, उसको थोड़े से मैदे में रोल करके फिर बैटर में डालते हैं, तो फिर वो कभी नीचे बैठेंगे नहीं, ठीक है? जी
जी, और मैंने आपके सवाल का जवाब भी देना है। जी जरूर जी। जो लेजेंड होटल में जो कुकिंग क्लास हो रही है उसमें जो है श्रीयान की रिदा साहब और जो है आप और लेजेंड होटल के शेफ होंगे। ओके ठीक है, नोट कर दिया है जवाब। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। रुखसाना है जी सेवन से। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जनक बाजी, कैसी हैं आप? कहाँ हैं आप? कुछ काम में मसरूफ थी और तबीयत सही नहीं थी। नहीं, आप कहाँ हैं मुझे बताएं, कहाँ हैं आप? सेवन से इसमें। सेवन में ही है, अच्छा मुझे भूल गई है, अब हफ्ता इतवार फोन ही नहीं करती नहीं, हैं। नहीं आप मुझे याद है, आपका शो भी देखती हूँ, बहुत अच्छा। कल आपने बहुत हलवा अच्छा बनाया था, वो इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगी। कल मैंने अखरोट का हलवा बनाया था, वो ट्राई करिएगा। जी जी जरूर करेंगे। सवाल का जवाब दें? जी दें, जरूर दें। एक आप शिरनी रीता बाजी, ठीक है, ओके थैंक यू। और मुझे गिफ्ट चाहिए। क्या गिफ्ट चाहिए आपसे? आज की गिफ्ट है केटल, डीलक्स केटल चाहिए आज। चाहिए? अच्छा मुझसे नहीं बात करनी, गिफ्ट चाहिए तो फोन किया। नहीं आपसे भी बात कर रहे हैं, आपका शो भी देखते हैं। आपको मैं तंग कर रही हूँ? जी जी जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू, खुदा हाफिज। ओके, इसमें आपने सोया सॉस डालना है, फिर आपने इसमें थोड़ी सी चीनी डालनी है, मीठा नहीं होगा, डोंट वरी, ठीक है। इसको स्टर फ्राई करते रहिए, फिर आप इसमें बहुत थोड़ा सा बराए नाम नमक डालेंगे, सोया सॉस में काफ़ी नमक होता है, और फिर कुटी हुई काली मिर्चें जाएंगी। दैट्स इट, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस स्टर फ्राई कर दीजिए और ब्रेक की तरफ चलते हैं। और इसको मैं बंद कर देती हूँ और मैक्रून्स देख लेंगे, अगर हो गए होंगे तो निकाल के यहाँ जाली पे रख देंगे और दूसरे वाले फॉर्म करके रखते जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे, फिर चॉकलेट में डिप करेंगे, ठीक है। सो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। अगर आपको जीतना है एनिक्स की तरफ से केटल जो हमारे शो पे आज गिफ्ट है, तो जल्दी से बताइए कि मसाला टीवी की जो कुकिंग क्लास है सैटरडे को यानी हफ्ते को इस्लामाबाद में, उसमें मेरे अलावा और दो कौन शेफ्स के नाम हैं। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। टेक अ ब्रेक। जी वेलकम बैक। देखें यहाँ हो गए हैं, लाइट गोल्डन हो जाए तो निकाल दीजिएगा, 160 डिग्रीज पे बेक करिएगा, फिर हाथों से ऐसे राउंड शेप देके इसको आप वापस एक और बैच बेक करने रख देंगे, और हाफ वे थ्रू बेकिंग टाइम अपने ट्रे को आगे पीछे करनी है, ठीक है, ताकि हर तरफ से हो जाए। अब इसको छेड़िएगा नहीं, अभी किसी को खाने नहीं दे रही है, अभी ऐसे ही रखिएगा, और इसके बाद जब बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे अंदर से भी, तो फिर हम पिघली हुई चॉकलेट के अंदर इसको डिप करेंगे। उफ, मुझे तो अभी भूख लग रही है सोच के। और प्रॉन्स तो रेडी हैं, कितना आसान था, स्टर फ्राई कर दिए मैंने प्रॉन्स, कुछ भी नहीं था। अगर आपको थोड़ा सॉस ही चाहिए तो थोड़ा पानी डालिएगा, अब हर चीज़ में रेड सॉस वाइट सॉस नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। इसी तरह अस्मा है इस्लामाबाद से, उनसे बात करते हैं जी। हेलो। हेलो, अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आपके सामने जी, फरमाइए जी। आपका शो बहुत अच्छा है, और आज का आपका क्वेश्चन क्या है? आज का क्वेश्चन हमने रखा है कि इस्लामाबाद में जो कुकिंग क्लास है उसमें मेरे अलावा दो और शेफ्स कौन आ रहे हैं? एक शीरीना पाए और शेफ फिदा और आप हैं। ठीक है, ओके थैंक यू, नोट कर दिया है आपका जवाब, बहुत शुक्रिया। आप आएंगी हमें मिलने? आई होप रास्ते खुले हों, कोई मसला ना हो और कुकिंग क्लास हमारी बिल्कुल सही जाए। चलिए अच्छी तरह मेक श्योर क्रैक्स ना हो एंड जस्ट पुट दिस टू बेक। अब सारा ही हो गया है, मैं हाथ धो दूं एक दफ़ा, और फिर कुछ भी वेस्ट नहीं करिए, सब कुछ लीजिए, एक छोटा सा बना दीजिए या छोटा वाला कोई हो उसको बड़ा कर दीजिए। इसको कर देते हैं थोड़ा थोड़ा, कंडेंस मिल्क की क्वांटिटी प्लीज़ बढ़ाइएगा नहीं, ये फॉर्म ही नहीं होंगे आपसे, ठीक है। बस अब मैं हाथ धो के इसको अवन में रख देती हूँ, ठीक है, और फिर हम चॉकलेट पिघलाते हैं और हम आते हैं इस प्रॉन की रेसिपी की तरफ। हमेशा हाथ धोते रहें, काउंटर को किचन के साफ रखा करें, और गंदे हाथों से चम्मच और चूल्हे और चीज़ें
पतीले ये सब कुछ उठाया ना करें, इसको मुझे अंदर रख देना है। बस हो गया। अच्छा, चॉकलेट आप मिल्कीज़ की चॉकलेट चॉप करके यहाँ रखती है। प्लीज़ याद रखिएगा कि चॉकलेट को हमेशा चॉप करके फिर माइक्रोवेव में रखते हैं, पूरा बार नहीं रख दीजिएगा। अगर आप चूल्हे पे पिघलाना चाहते हैं तो आप एक डबल बॉयलर बनाइए। वो कैसे बनता है, आप एक पैन लीजिए, उसमें आप पानी गर्म कीजिए, पानी में बोल बिठाइए, ऐसे हो। मैं आपको दिखाऊँ, नायला से पहले बात करते हैं, इन्होंने कराची से कॉल की है और हम दिखा भी देते हैं। देखें, मसलन इसमें पानी है, इसके ऊपर बोल ऐसे बैठना चाहिए, ठीक है, अंदर सिंक अंदर गिर ना जाए। छोटा बोल नहीं लीजिएगा, इस तरह का बोल नहीं लीजिएगा कि पानी के अंदर चला जाए, ऐसे नहीं करिएगा। इसके ऊपर बिठाइए इसको, ये डबल बॉयलर आपका बन गया, नीचे पानी है गर्म हो रहा है, इसके अंदर चॉकलेट डालिए, इसको साफ होना चाहिए, गंदा नहीं हो। नायला से बात करते हैं जी। हेलो 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 आपा, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपा? मैं केक बनाती हूँ ना, तो वो खराब हो जाता है। कैसे खराब होता है, क्या होता है? वो एक बार मैंने टीवी पे देखा था कि उसमें बनाना है चूल्हे पे। अच्छा, ओवन है नहीं। अच्छा, चूल्हे पे भी बनता है, मैंने भी तो सिखाया। चूल्हे पे कैसे बनाते हैं? चूल्हे पे पतीले में बनाया था आपने, स्टीमर में? किसने बनाया था, किस चीज में बनाया था, पतीली में कि स्टीमर में? पतीले में। अच्छा, फिर क्या हुआ? केक नीचे से जल गया था। क्या हुआ? जल गया था केक। जल गया था, तो नीचे आपने पानी रखा था पतीली में? जी। पानी खत्म हो गया था? जी जी। बस तो यही आपने मिस्टेक की थी, पानी को खत्म नहीं होना चाहिए, इतना पानी रखिएगा। मसलन पतीली ये है, उसके अंदर आपने टिन रखा है, जाली के ऊपर रखे, पानी इतना होना चाहिए कि वो बबल्स हो, वो स्टीम हो, जिससे केक बने। आप खोल के देखिएगा, अगर पानी खत्म हो जाए तो आहिस्ता से साइड से पानी थोड़ा सा डालिएगा। जी ठीक है, ठीक है, अल्लाह। ओके शुक्रिया। अच्छा सुने तो सही, जवाब तो देती जाइए, अगर आपको जीतना है एनएक्स की तरफ से ये केटल। हेलो जी, अल्लाह। अरे नहीं, बात तो सुने सवाल का जवाब तो देती जाइए। नहीं वो कितली नहीं चाहिए, गिफ्ट नहीं चाहिए? ओके ठीक है, नहीं चाहिए, क्या करूं मैं? ये मैं यूज कर रही हूँ फोटाइल का माइक्रोवेव एंड फोटाइल के ओवन्स। और ये देखें अभी हो रहा है बेक, इसको हाफ वे टाइम, इसको मुझे निकाल के ट्रे को आगे पीछे करनी है, ये याद रखिएगा, ठीक है? बस ये भी जल्दी से हो जाए। हमेशा चॉकलेट पिघलाते वक्त या डबल बॉयलर या माइक्रोवेव, माइक्रोवेव में पूरे एक मिनट दो मिनट के लिए नहीं पिघलाइएगा। अगर आप रख रहे हैं 10 सेकंड करिए, निकालिए, चमचा चलाइए, 10 सेकंड करिए, चमचा चलाइए, इस तरह करिएगा। देखिए मैं निकाले जा रही हूँ और इस तरह कर रही हूँ ना, देखें अब ये पिघलता जा रहा है। मैं लेती हूँ एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए मसाला टीवी। जी वेलकम बैक। देखें ये ठंडे हो गए हैं, इसके बेसिस को हमें डिप करना है चॉकलेट में, जो पिघला के मैंने रखी थी। हल्का सा ऐसे करके रखिए और ऐसे करके उठाइए, एक्सेस चॉकलेट ड्रिप हो जाए, और फिर आप उसको यहाँ ठंडा होने के लिए रख दीजिए, चॉकलेट को सेट होने रख दीजिए, ठीक है? बस ये करते रहिएगा। दूसरी ट्रे भी हो गई है, उसको भी हम ज़रा टर्न करते हैं। ये नहीं करना है तो ऐसे भी खा सकते हैं, प्लेन कोई मसला नहीं है। मिल्कीज़ की डार्क कुकिंग चॉकलेट जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं, मुझे तो चॉकलेट बहुत पसंद है, बहुत अच्छी चॉकलेट है, बहुत अच्छी क्वालिटी की चॉकलेट है, जल्दी पिघल जाती है, जल्दी सेट हो जाती है, क्योंकि वाइट चॉकलेट ड्रॉप्स भी बहुत अच्छे हैं। एक और कॉलर है हमारी इस्लामाबाद से, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम। अच्छा एक कॉलर है, इकबाल साहब हैं जी। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए जी। मैम थैंक यू सो मच, आपका प्रोग्राम देख रहा था अभी, मैंने टीवी ऑन किया है जी।
तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो गोलगप्पे होते हैं ना जी, इसको बनाना सिखाएं वन बाइट, क्योंकि जो और होटलों में मिलता है ना, इसमें बड़े बड़े मिलते हैं कि वो आपके मुंह में आधा होता है आधा आपके शर्ट में गिरता है। अच्छा ओके। तो ऐसा है कि वो वन बाइट मैंने ना वो वास्की साहब के वहाँ खाया था रेस्टोरेंट में। अच्छा जी, तो अगर वो बनाना वन बाइट हो तो वो इजी हो जाता है, कपड़े भी खराब नहीं होते। तो छोटी छोटी पूड़ियां बनाएं वन बाइट के लिए, छोटी पूड़ियां बनाएं। जी छोटी पूड़ियां जी, तो वो आप किसी दिन ये कर ले तो आई विल बी थैंकफुल। अच्छा, वैसे तो आपकी चीजें बहुत मशहूर है। आपने जवाब देना है, कैटल अगर जीतनी है तो नहीं, मैंने सवाल देखा नहीं। मैंने अच्छा सवाल ये है कि मसाला टीवी की जो कुकिंग क्लास है हफ्ते को इस्लामाबाद में ही, तो उसमें कौन कौन आ रहा है मेरे साथ, कौन आ रहा है? आपके साथ श्रीयापा आ रही है, ठीक है, और वो खातून आती है बीच लग्जरी, मुझे अबील, अबील कौन, अबील खान, अबील तो होस्ट हैं जी। और पका कौन रहा है हमारे साथ खाना, श्रीयापा मैं और कौन, श्रीयापा आप और मुझे उनका नाम याद नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, थैंक यू सो मच, नोट कर दिया है आपका भी जवाब, बहुत शुक्रिया। इसी तरह रेसिपीज ट्राई करते रहिए, हमारा शो देखते रहिए, और दिस इज ऑल्सो इनफ नाउ, ये भी हो गया, ठीक है। चलिए अब इसको मैं ले जाती हूँ वहाँ, और ये जो मैकरून सेट हो गए हैं उनको भी हम रख देंगे, और नहीं अभी सेट नहीं हुए हैं थोड़े से, हाँ उसको तो टर्न करूँ मैं, ये हाफ फे थ्रू बेकिंग टाइम हमें आगे पीछे इसको करना होता है, बिल्कुल लाइट गोल्डन हो जाए तब। हिबा है कराची से, उनसे तब तक बात करते हैं जी। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आपके सामने। बहुत अच्छी लग रही है आज आप। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आज आप मैक्यून बना रही हैं, कितने अच्छे लग रहे, और चॉकलेट जब डालेगी तो बहुत मजे के लग रहे। ट्राई करिएगा, ठीक है जी, बिल्कुल। मिल्की इसकी चॉकलेट है, बहुत बेहतरीन क्वालिटी की है। मैंने यूज की भी है। हाँ बिल्कुल सही, ठीक है, गुड, थैंक यू। आपने जो केक, आपको पता है जो आपने केक मैंने आपसे एक दफा पूछा था, वो बहुत ना शाइनी बनता था, आपने बताया था कि ना वो बहुत अच्छा सा बनता है अगर उसे दो दफा सेव करे मैदे को। तो फिर मैंने वैसे सेव करके बनाया और वो इतना अच्छा बना। थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपने ट्राई किया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं क्वेश्चन का आंसर दूंगी। जी जी, आप थी शीरीन आंटी थी और रिदा आंटी थी नहीं है, 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 हाँ, है, है, हम लोग हैं और हम लोग आएंगे इस्लामाबाद। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। चॉकलेट की वजह से हाथ जरा डर्टी हो जाते हैं, कुछ हम ऐसे प्लेन ऐसे रख दीजिए, कुछ इस तरह रख दीजिए। टू मच चॉकलेट, हाँ दूसरे ओवन में है, उनको भी मुझे अभी करना है, सो दैट्स दैट। और एक और कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी आपका शो मुझे बहुत पसंद है, बहुत मैं आपका शौक बहुत शौक से देखती हूँ। थैंक यू सो मच जी। और सवाल का जवाब देती जाइए जी। रिदा बापी हैं और श्री अनवर हैं, और श्री आपा, ठीक है, ओके, ठीक है, थैंक यू जी, नोट कर दिया। आप मुझे निहारी की रेसिपी बता देंगी? किसकी? निहारी चिकन अभी, अच्छा देखते हैं, चले बनाएंगे किसी दिन आपके लिए, बनाई तो है वैसे, आप देख लीजिए नेट पे से निहारी बाय जारनक सिद्वा लिख लीजिए, रेसिपी वीडियो सब आ जाएंगी, ठीक है। थैंक यू जी, रेसिपी रीकैप की ब्रेक चलेगी अगर आपने आज की दोनों रेसिपीज में से कुछ भी मिस आउट कर दिया हो तो, स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक, आई होप आपने देख ली होंगी सारी चीज़ें जो मैंने आज बनाई हैं, कुछ को मैंने डिप किया था चॉकलेट में, कुछ मैकरून्स प्लेन रखे थे, कोकोनट मैकरून्स जो हैं ये मैकरॉन्स नहीं हैं, ठीक है, वो कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा। और टाइगर प्रॉन्स जो हमने बनाए थे, आप इसकी टेल्स भी रख सकते हैं प्रॉन्स की, ये भी बहुत ही सिंपल सॉस है, कुछ भी नहीं है, नमक, काली मिर्चें हैं, थोड़ी सी चीनी है, सोया सॉस है, लहसुन अदरक है, दैट्स इट।
इसी में सॉटे करिए, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। मसाला टीवी फूड मैगजीन 200 रुपये का हमारा शुमारा नवंबर का आ चुका है, ठीक है। इसमें आयशा अब्रार का इंटरव्यू है, तस्वीरें हैं, इसके साथ साथ हमारे जो हम मसाला फैमिली फेस्टिवल में गए थे लाहौर पिछले महीने, उसकी भी तस्वीर हैं और उसका भी पूरा राइटअप है, और सारे हमारे शेफ्स की इंग्लिश में उर्दू में सारी रेसिपीज़ हैं। सो फूड डायरीज़ की क्या है वो भी मैं आपको बताती चलती हूँ। फूड डायरीज़ की कश्मीरी यखनी शोरबा है, उसके साथ साथ फिश एंड स्पाइसी हनी जिंजर सॉस है, ये बहुत मज़े की बनती है, ट्राई करिएगा। पता नहीं क्यों कॉन्सेप्ट है कि सिर्फ सी फूड सर्दी में खाना चाहिए, हम लोग तो पूरा साल खाते हैं। वेजिटेबल बर्गर्स हैं, बादाम का हलवा है, साबुदाना खीर है, एगलेस बनाना ब्रेड है, और मिल्कीज़ फूड की चॉकलेट को इस्तेमाल और उनका क्रीम को इस्तेमाल करते हुए मैंने चॉकलेट मूस बनाया था। सो इसी तरह सारी रेसिपीज़ नोट करिएगा और ये शुमारा ज़रूर घर लाइएगा। चलिए जी, टाइम टू वाइंड अप, दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।